जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज का टॉपिक है मन की एकाग्रता व शांति प्राप्त कैसे करें जिससे आपके सब दुख दूर हो जाए, क्योंकि दुख मन को ही होता है। मन एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए तो समस्त दुख मिट जाते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मनुष्य के अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, जिसे अंतःकरण चतुष्टय या चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये ही चतुष्टय अंतःकरण है। मन की वृत्ति है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि की वृत्ति है निश्चय करना, चित्त की वृत्ति है चिंतन करना और अहंकार की वृत्ति है अहम भाव। मनुष्य का मन सतत संकल्प विकल्प करता रहता है। मन का संकल्प विकल्प करते रहना ही अशांति और निर्विकल्प होना ही शांति का कारण है। अर्थात हमारा मन कभी भी शांत नहीं होता है, उसमें विचार आते ही रहते हैं और विचार आएंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। जैसे ही विचार आना बंद होते हैं हमें शांति मिल जाती है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। मन की चंचलता ही दुख का कारण है। जब तक यह चंचल मन एकाग्र नहीं होगा तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। परमात्मा के भजन ध्यान से ही मन की चंचलता मिटती है और तभी आत्म शांति मिलती है। अर्जुन की भी यही समस्या थी और प्रत्येक मानव की भी यही समस्या है कि उसका मन बड़ा चंचल और अशांत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 26 में कहा है कि हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तेरा मन यानी कि ये चंचल मन भाग कर जाता है वहाँ वहाँ से हटा कर तू उस परमात्मा में ही लगा इसे, इस मन को वश में कर, इसका नियंत्रण कर। किंतु अर्जुन कहता है गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 34 में, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, दृढ़ और हठीला है, बलवान है, प्रमथन यानी कि मंथन स्वभाव वाला है। यह मन चित्त को मथ देता है, इसको वश में करना पवन के वेग को रोकने के समान अत्यंत कठिन और दुष्कर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 35 में कि निसंदेह मन चंचल और हठीला है, परंतु हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन वश में किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि मन चंचल क्यों है, इसकी चंचलता का कारण है वो जान लेते हैं। इस चंचल मन को वश में करने के लिए आखिर किस साधना का अभ्यास किया जाए जिससे ये शीघ्र ही वश में हो जाए। आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्नशील बुद्धिमान साधक के मन को भी बलात् चंचल कर देती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने के लिए परमात्मा के स्वरूप का ध्यान अभ्यास करें, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। गीता अध्याय श्लोक के 2 नंबर 58 और 59 में कहा है भगवान, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही साधक इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटाकर अपने मन और बुद्धि को वश में रखता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति नहीं मिटती। स्थित प्रज्ञ योगी की विषय आसक्ति भी परमात्मा के ध्यान और साक्षात्कार से समाप्त हो जाती है। ऋषियों और मनीषियों का कथन है कि यह जो हमारा शरीर है यह रथ है और आत्मा इसका रथी है, बुद्धि सारथी है और मन इसकी लगाम है। इंद्रियां ही इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। जिसके पास आध्यात्म ज्ञान का साधन नहीं है उसकी इंद्रियां सतत चलायमान रहती है। आध्यात्म ज्ञान रहित साधक का मन रूपी लगाम ढीली रहती है और इसलिए इंद्रियां रूपी घोड़े सन्मार्ग से हटकर विषयों की ओर भाग जाते हैं। आध्यात्म ज्ञान की साधना से साधक का मन बुद्धि रूपी सारथी के अधीन नहीं रहता और जब मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के नियंत्रण में नहीं रहता है तो इस शरीर रूपी रथ का रथी यह आत्मा इस शरीर का मालिक न रहकर इंद्रियां रूपी घोड़े ही इसका मालिक बन जाती हैं। फिर इंद्रियां रूपी घोड़े विषय रूपी खेत में इस मन बुद्धि और आत्मा को शरीर
शरीर रूपी रथ सहित ले जाती हैं। अनियंत्रित इंद्रियां मन को विषयों में आसक्त कर जीवात्मा को आवागमन यानी कि जन्म मरण के चक्कर में भरमाती रहती हैं। जिस साधक का मन नियंत्रण रहता है अर्थात जो विवेक रूपी सारथी द्वारा मन रूपी लगाम को नियंत्रित रखता है उसकी इंद्रियां विषयों में चलायमान नहीं होती है। अतः मन को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्म ज्ञान रूपी विज्ञान के बिना विषयों में उन्मुख इंद्रियों और उसमें आसक्त चंचल मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। जब सद्गुरुदेव महाराज जैसे आध्यात्म ज्ञान रूपी विज्ञान के विशारद वैज्ञानिक की कृपा से आध्यात्म ज्ञान का क्रियात्म बोध प्राप्त होता है तब इसकी सतत साधना द्वारा धीरे धीरे चंचल मन को नियंत्रित किया जाना संभव होता है। आध्यात्म ज्ञान द्वारा ही चंचल मन का नियंत्रण होता है। मनुष्य का मन अत्यंत सूक्ष्म है और इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले साधन स्थूल है। स्थूल इंद्रियों द्वारा किए गए बाह्य कर्म कांडों एवं साधनों द्वारा यह सूक्ष्म मन बांधा नहीं जा सकता। सूक्ष्म मन को वश में करने का साधन इससे भी सूक्ष्म होना चाहिए जिससे यह बांधा जा सके। जैसे बलवान हाथी को बांधने वाले मोटे रस्से से सूक्ष्म चींटियों को बांधना संभव नहीं है क्योंकि उसकी गांठों से सूक्ष्म चींटियां निकलकर बाहर चली जाएंगी। इसी तरह इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले स्थूल बाह्य साधनों द्वारा यह चंचल एवं सूक्ष्म मन का निग्रह किया जाना संभव नहीं है। मन के निग्रह और नियंत्रण के लिए आत्म ज्ञान रूपी सूक्ष्म साधना की आवश्यकता होती है। जैसे सूक्ष्म धागे से ही सूक्ष्म चींटियों को बांधना संभव है इसी तरह आध्यात्म ज्ञान रूपी अत्यंत सूक्ष्म साधना द्वारा ही यह सूक्ष्म एवं चंचल मन का नियंत्रण करना संभव है। जैसे हाथ की घड़ी जब खराब हो जाती है घड़ी वाले के पास जाते हो उसे ठीक करवाने के लिए। घड़ी साज के पास घड़ी के सूक्ष्म पुर्जों को छोटी चिमटी की नोक से पकड़कर खोला जाता है और दोबारा उसी से उन पुर्जों को सुधार कर घड़ी ठीक किया जाता है। यद्यपि लोगों के घरों में रोटी पलटने का चिमटा होता है वह घड़ी साज की चिमटी से बड़ा और मजबूत भी है परंतु उस चिमटे से घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को पकड़कर उसे ठीक करना संभव नहीं है। इसी तरह इंद्रियों द्वारा किए गए जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन आदि साधनों द्वारा सूक्ष्म मन को वशीभूत करना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां और इंद्रियों से भी सूक्ष्म है मन और मन से सूक्ष्म है बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा के स्वरूप को तत्वत जानकर ही मन का नियंत्रण संभव है और जो मन को नियंत्रण कर लेता है उसके लिए कहा जाता है जिसने मन जीता उसने जग जीता वो पूरे जग को जीत लेता है। कठोप उपनिषद में कहा गया है कि वह परमात्मा सभी भूत प्राणियों का साक्षी है वही सबका रचयिता व नियंता है। जो विवेकी जन उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जानकर अपने हृदय में उसका ध्यान करता है दर्शन करता है उसी को परम सुख एवं परमानंद की प्राप्ति होती है दूसरों को नहीं। वह परमात्मा नित्य और अनित्य सब में समाया है जो नित्य चेतन स्वरूप अविनाशी है तथा सबकी आत्मा में व्यापक है। जो धीर पुरुष हृदय स्थित परमात्मा का ध्यान और दर्शन करते हैं उसी को परम शांति प्राप्त होती है दूसरों को नहीं। मन की एकाग्रता और मन की शांति का एकमात्र साधन हृदय स्थित परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण तथा परम प्रकाश स्वरूप का ध्यान करना है। जैसे लोहे के सूक्ष्म कण शक्तिशाली चुंबक में स्वयं आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं उसी तरह मानव का मन परम शक्तिमान परमात्मा के ध्यान स्मरण में एकाग्र हो जाता है। जैसे जैसे भजन ध्यान में प्रगाढ़ता होगी वैसे वैसे मन बाह्य जगत से हटकर अंतर्मुख होकर परमानंदित होता जाएगा। लेकिन परमात्मा के ध्यान एवं स्मरण का तत्व बोध सदगुरु कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप सच्चे सदगुरु की शरण जाएं, गुरु दीक्षा लें उनसे और उनके वचनों के अनुसार चलना शुरू करोगे तो निश्चित तौर से यह चंचल मन शांत भी होगा एकाग्र भी होगा और आप पूरे जग को फिर जीत सकते हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने जीवन में भी उतारिएगा और दूसरों के पास भी शेयर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9958515054। गुरु दीक्षा लेना चाहते हो ऑनलाइन तो इस नंबर पर मैसेज करें और दिल्ली के आगामी शिविर जो कि 21 जुलाई का है उसमें आना चाहते हो तो जल्द से जल्द मैसेज करें। फॉर्म भरना पड़ेगा, हम फॉर्म सेंड कर देंगे, सीटें लिमिटेड हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रेम।